वाले हैं, ठीक है। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज योर करेंसीज। ओके, अब करेंसीज की अगर हम बात करें तो जैसे कि हम पहले आपका जो पहले वाली क्लासेस के अंदर हम कैपिटल्स मतलब आपका इंडिया का मैप एंड वर्ल्ड मैप कर चुके हैं, अब आपको ये समझ में आएगा कि हमारे लिए जो हमने पहले टॉपिक किए इंडिया मैप्स एंड वर्ल्ड मैप वो करना क्यों जरूरी था। वो करना इसीलिए जरूरी था क्योंकि करेंसी इज कनेक्टेड विद योर कंट्रीज। ओके, तो करेंसीज इज कनेक्टेड विद योर कंट्रीज। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज करेंसीज। एज वी ऑल नो कि हमारा जो है ईच एंड एवरी कंट्री इज हैविंग डिफरेंट करेंसीज। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम यूएसए की बात करें तो क्या चलता है यूएस में बच्चों? यूएस डॉलर। डॉलर क्या चलता है हमारा? यूएस डॉलर। लेकिन अगर मैं बात करूं यूके तो यूके में क्या चलता है? पाउंड चलता है ना। लेकिन कुछ करेंसीज ऐसी भी हैं जैसे हमारा डॉलर जरूरी नहीं है कि सिर्फ यूएसए में ही चलता है, ऑस्ट्रेलिया सिंगापुर में चलता है ना, न्यूजीलैंड में चलता है ना, सिंगापुर में, ठीक है, सिंगापुर में सिंगापुर डॉलर चलता है, सिंगापुर डॉलर चलता है, ऑस्ट्रेलिया में। इससे आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा और आज की क्लास के अंदर हम लगभग 80 करेंसीज की करेंसी लर्न कर लेंगे, 80 कंट्रीज की करेंसीज वी विल बी हैविंग ऑन द टिप्स। क्लियर है? तो आज स्टार्ट करते हैं। अब देखो, लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है कि यूएस के डॉलर की जो वैल्यू है वो हमारे न्यूजीलैंड के डॉलर के इक्वल हो। नो, द वैल्यू विल बी डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, इज इट ओके? बट करेंसी विल बी द सेम। बट सम कंट्रीज आर हैविंग, जैसे जहां पर सिंगल कंट्री सिंगल करेंसी चलती है, जैसे येन है सिर्फ जापान में ही चलता, जापान, युआन है वो सिर्फ चाइना में ही चलता है लेकिन और कहीं नहीं चलता है ना। तो वो सिंगल करेंसीज का असाइनमेंट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सेंड करूंगी, ठीक है? वो उसको भी हम एक टेक्निक से लर्न करेंगे जिससे हमें कोई भी, जैसे अभी आपको कैपिटल्स ऑन द टिप्स है, अब मैं आपसे कोई भी कैपिटल्स पूछ लूं आपको लर्न है। जैसे मैं अभी आपसे किसी भी कॉन्टिनेंट कैपिटल पूछ लो, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अभी मैं आपसे पूछूं उरुग्वे की कैपिटल बताइए, जल्दी से बताइए, कौन बताएगा? मॉन्टेविडियो। आप बिना किसी, मॉन्टेविडियो फटाफट, मॉन्टेविडियो। अब मैं फटाफट पेरू की कैपिटल बताओ, पेरू में लीमा। लीमा, अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। इस तरह से हमें करेंसीज भी ऑन द टिप्स हो जाएंगी। सो वी विल स्टार्ट टुडे। सो सबसे पहला कॉडवर्ड आज हम करने वाले हैं दिनार। क्या करने वाले हैं? दिनार। अब दिनार कहाँ कहाँ चलता है जरा देखिए। देखो दिनार को हम डिनर मान ले, माने या नहीं? मान लो, चलो मान लेते हैं, ठीक है। दिनार को हमने डिनर मान लिया। डिनर के बाद स्वीट डिश खाते हैं ना सभी जनरली, तो डिनर के बाद केटी जो है ना जलेबीज खाती है। अब ये मत कहना मैडम जलेबी की स्पेलिंग गलत लिखी है आपने, हमारे पास ई से कोई कंट्री नहीं है। केटी जो है जलेबीज खाती है, ठीक है। डिनर के बाद केटी क्या खाती है? जलेबीज खाती है। तो अब ये कितनी कंट्रीज हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कंट्रीज की करेंसी हम एक साथ लर्न कर लेंगे। 8 कंट्रीज में क्या चलता है? दिनार। वैल्यू जरूरी नहीं है कि सेम हो लेकिन चलता कौन सा करेंसी है? दिनार। तो हम बड़े आराम से बता सकते हैं बिना किसी टेंशन के, बस हमें कोड याद होना चाहिए। मैम हमने लास्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है? एस या जे? एस लिखा है, ठीक है। अब देखो के से क्या हो गया? कुवैत। के से पहली कंट्री हो गई कुवैत। टी से सेकंड कंट्री हो गई तुनिशिया, ठीक है। जे से थर्ड कंट्री हो गई जॉर्डन। ए से फोर्थ कंट्री हो गई अल्जीरिया। एल से फिफ्थ वन कंट्री हो गई लेबनन, ठीक है। सॉरी एक मिनट, लिबिया। लिबिया मैं दोबारा से लिख रही हूँ इसको, वन सेकेंड। डिनर के बाद केटी क्या खाती है? जलेबीज खाती है। ये हमारा कॉडवर्ड हो गया। के से हो गया, टी से क्या हो गया? तुनिशिया। ए से क्या हो गया? जॉर्डन। ए से क्या हो गया? अल्जीरिया।
एल से क्या हो गया लीबिया, बी से क्या हो गया बहरीन, आई से क्या हो गया इराक, एस से क्या हो गया सर्बिया। अब इन सभी कंट्रीज की करेंसी क्या हो गई हमारी, दिनार। बड़ा इजी सा कॉडवर्ड है कि डिनर के बाद केटी क्या खाती है, जेलबीज खाती है। वेरी इजी कॉडवर्ड आई थिंक, मेरे ख्याल से वन टाइम लर्न होने वाला है। इज इट ओके? यस, लर्न हो जाएगा हमारे को। एट कंट्रीज के साथ लर्न हो जाएंगे इससे। के से कुवैत, टी से तुनिशिया, जे से जॉर्डन, ए सीरिया, एस से लीबिया, बी से बहरेन, आई से इराक, एस से सर्बिया। वन टाइम तो पढ़ना पड़ेगा ही, लेकिन आपको 100% लर्न हो जाएगा। और अब आपको बेनिफिट भी नजर आ रहा होगा कि कौन सी कंट्री कहाँ पर है, ये हमें थोड़ा बहुत आइडिया है ना। जैसे मैं अब आपसे पूछूं जॉर्डन की कैपिटल बताओ, तो आप बताओगे मुझे जोर जोर से। अम्मान। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो अब आपको प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। बहन को रेन में लेने गए थे, तो बहन ऑन द टिप्स है। अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप ही आ गया, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। हम नेक्स्ट कोडवर्ड करने वाले हैं आज की डेट में, दिनार वी हैव डन। अब हमारा नेक्स्ट कोडवर्ड क्या होगा, पीसो। अब कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेम ऑफ एन कंट्री, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेम ऑफ एन करेंसी, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी तो हमें पता होना चाहिए ना, कौन सी करेंसीज है, ये सब हमें पता होना चाहिए। अब ऑन करने के लिए क्या करते हैं, हम पीसो ऑन करने के लिए कैप्स डालकर ड्रम बजाते हैं। कैप्स डालकर क्या बजाते हैं, ड्रम बजाते हैं, है ना। कैप्स डालकर ड्रम बजाते हैं। अब इसमें ना मैं आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बताऊं कि डालकर ड्रम बजाते हैं। एक तो इसके अंदर क्या हुआ कि हमारा कैप्स में एस नहीं आया, कैप्स में ट्रिपल सी आया। इस बात को खास ध्यान देना है ताकि हमें फ्यूचर में भी लर्न रहे। और हमने इकट्ठे लर्न करने हैं, इसमें भी हमारी फाइव आपका जो है, और थ्री, क्योंकि डीआर एक कॉमन कंट्री होगी हमारी। 80 कंट्रीज की करेंसी हम फिर से लर्न कर लेंगे, और अभी कुछ ही मिनट्स के अंदर हमें 16 कंट्रीज की करेंसी लर्न हो जाएंगी। अभी तीनों से इकट्ठे लर्न करने हैं ताकि हमें फ्यूचर में भी लर्न रहे। पहला सी है चिली, दूसरा सी है क्यूबा, तीसरा सी है कोलंबिया। चिली, क्यूबा, कोलंबिया, चिली, क्यूबा, कोलंबिया, चिली, क्यूबा, कोलंबिया। ए से अर्जेंटीना, ए से अर्जेंटीना, पी से फिलीपींस, पी से फिलीपींस। देखो चिली, क्यूबा, कोलंबिया, तीनों सी इकट्ठे लर्न करना है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट आपका टेक्निक ही यही है। ठीक है, आई एम इन दिस फील्ड फ्रॉम लास्ट 12 इयर्स, और मैं एक कॉर्डवर्ड आपका 12 साल से करा रही हूँ। एंड आई हैव मेक इट सेल्फ, मैंने इसको खुद बनाया है। और आप इसमें देखेंगे कि अगर मैं खुद भी सी के बाद चिली के बाद अर्जेंटीना बोलूंगी तो शायद मैं खुद भी भूल जाऊंगी। तो इसीलिए मैं आपको क्या एक एडवाइस करूंगी कि आपने तीनों सी इकट्ठे लर्न करने हैं, चिली, क्यूबा, कोलंबिया। इससे लर्न रहता है, इसे याद रहता है, एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा याद आता है, कन्फ्यूजन नहीं होता इसमें। अर्जेंटीना, फिलीपींस, अभी डीआर एक ही कंट्री है, डोमिनिशन रिपब्लिक। डोमिनिशन रिपब्लिक की थी ना हमने कंट्री, याद होगा आप लोगों को, नॉर्थ अमेरिका। यस मैम। ना, यू से उरुग्वे एंड एम से मेक्सिको। तो अब बताइए कोई प्रॉब्लम, 8 कंट्रीज की करेंसी हमने और लर्न कर ली। वी हैव डन 16 कंट्रीज करेंसीज लर्न। इज इट ओके? यस सर। यस मैम। मैम आपने दिनार में टी क्या बताया था, के टी, टी दिनार में केटी में तुनिशिया बताया था बच्चे, टी यू एन आई एस आई ए। डन, कैन वी मूव? यस मैम। ओके बच्चे, हम आगे चल रहे हैं अभी। अब मैं नेक्स्ट कोडवर्ड आपका वाला कराने वाली हूँ, दैट इज योर रुपया। अब रुपया तो कॉमन करेंसी हमारे यहाँ पर चलता है, रुपया हम तो जानते ही हैं, लेकिन रुपया की वैल्यू डिफर कंट्रीज डिफर ही होगी ना। जैसे अगर आप कहें कि पाकिस्तान के रुपए की वैल्यू क्या इंडिया के रुपए के बराबर है, नहीं है। ठीक है, रुपया कहाँ खर्च हो रहा है, इसका बड़ा इजी कॉर्डवर्ड मैं बता रही हूँ। कॉर्डवर्ड गर्ल्स का पिंस के ऊपर रुपया कहाँ खर्च हो रहा है, गर्ल्स का पिंस, बॉयज का सिम। तो ये हमारा कॉर्डवर्ड हो गया।
अब पिंस तो आप बड़े इजीली बता दोगे, पी से पाकिस्तान, पाकिस्तान, आई से इंडिया, बड़ा नेपाल, नेपाल, एस से श्रीलंका, श्रीलंका इजीली बता दोगे है ना। लेकिन आपको सिम, जो सिम बताना आपके लिए मेरे ख्याल से डिफिकल्ट होगा। अब एस से क्या होगा, सेशल्स, सेशल्स की हमने सेचिल कब बोलते हैं, विक्ट्री जब जीत जाते हैं, विक्टोरिया अफ्रीकन कंट्री थी हमारी। आई से इंडोनेशिया और एम से म्यांमार, एम से ना ही म्यांमार आएगा ना ही मलेशिया आएगा, मालदीव्स हो जाएगा, मालदीव्स, और एक हो जाएगा आपका मॉरिशस। इट ओके, एक एम होगा मालदीव्स, एक एम होगा मॉरिशस। अब आपको एक मलेशिया में तो रिंगेट होता है ना, क्या बेटा, मलेशिया में तो रिंगेट होता है ना, जी हाँ जी रिंगेट होता है, बिल्कुल रिंगेट होता है, वेरी गुड। अब इंडोनेशिया जो है हमारा, इंडोनेशिया की स्पेलिंग जरा नोट करेंगे, स्पेशली नोट करनी है, उसमें आर यू पी आई ए एच लिखते हैं रुपया को, ये खास बात ध्यान देनी है आप लोगों ने। इंडोनेशिया के अंदर आपका जो है स्पेलिंग आर यू पी आई ए एच रहती है, ये कई बार वो एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दे देते हैं, ये रुपया कहाँ चलता है, ऐसे भी दे देते हैं, ठीक है। और ये जो आपका मॉरिशस है, मॉरिशस की स्पेलिंग ये रहेगी आर यू, सॉरी मॉरिशस नहीं, मालदीव्स, मालदीव्स की स्पेलिंग जो रहेगी वो रहेगी आर यू डबल एफ आई वाई। किसकी बच्चे, मालदीव्स में जो स्पेलिंग चलती है वो चलती है आर यू डबल एफ आई वाई। Is it clear? Yes or no? This is very important. Yes, ma'am. We should have in knowledge. कि हमारा जो है कई बार वो ऐसे दे देते हैं, for an example question में कि ऐसे दे देंगे रुपया, ऐसे is in currency of, is currency of, ठीक है, तो आपका option दे देंगे A, B, C, D, तो हमें बताना होगा। अब रुपया तो सब जगह चलता है, लेकिन ये वाला रुपया कहाँ चलता है, ये चलता है हमारा इंडोनेशिया में, लेकिन अगर एफ वाला आ जाए तो वो कहाँ चलता है, मालदीव्स में चलता है। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यस मैम। ओके, तो वी हैव डन राइट नाउ 24 कंट्रीज करेंसीज, इज इट ओके? इस तरह से आज हमने 80 करेंसीज करनी है। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा बहुत अच्छे से।